इंट्रो देख के आप समझ ही गए होगा कि मैं बनाने वाला हूँ स्पाइसी ग्रिल्ड फिश। ये नींबू को मैंने दो भाग में काट लिया और आ गया मेरा फिश। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर और फिर इसके ऊपर मैं डालने वाला हूँ नमक। और जैसे मैं इसके ऊपर मैरिनेशन के लिए मैं नींबू डालूंगा तो याद रखना है कि नींबू के अंदर एसिड होता है, तो हमें इससे 1 से 2 मिनट से ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच यूज़ करने वाले टमाटो सॉस, और फिर इसके ऊपर सोया सॉस जो कि 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है, और फिर इसके ऊपर मैं 6 से 7 कटे गार्लिक यूज़ करने हैं, और 1.5 चम्मच मुझे लेना है तेल। अब ये मेरा मज़ेदार मसाला जो है ना, ये तैयार है। ये मैंने जो मसाला बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 कटे हुए फिश के टुकड़े के लिए बना है। आपने देखा मेरा फिश जो है कितना बड़ा साइज़ में, बस इतने के लिए ये मसाला तैयार है। आप अगर चाहो तो इसको आप डबल करके डबल कर सकते हो और अपने फिश के लिए बना सकते हो, है ना। अब मैं इसके ऊपर अपने हाथों से हर जगह पे मैं लगा देने वाला हूँ, इससे क्या होगा कि हर जगह मसाला फैल जाएगा। अब हम ग्रिल पैन में तेल लगाएंगे, और तेल लगाने के बाद हम अपने फिश को करेंगे ग्रिल्ड, वो भी बड़े प्यार से। ये देखो प्यार से रख दिया। अब इसको मैं 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे करने वाला हूँ, इसको मैं ग्रिल्ड। अब जब ये ग्रिल्ड हो जाएगा 5 से 6 मिनट, मैं इसे पलट देने वाला हूँ। अब ये देखो आगे ना ग्रिल्ड की लाइनें देख रहे हो, बन गई ना, टेस्टी टेस्टी दिख रहा है ना। अब जो मेरे पास मसाला बचा हुआ था, उस मसाले को मैं अपने फिश के ऊपर बड़े आराम से और प्यार से लगाने वाला हूँ। अब इसको लगाने से जो इसके ऊपर मसाला का जो बूस्ट हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा ये। अब देखो ये है, 10 से 12 मिनट लगता है एक फिश को पकाने में, और ये पक करके तैयार है। क्योंकि मैं इसको अब खाने वाला हूँ तो मुझे थोड़ा सा नींबू डालना अच्छा लगता है, क्योंकि खटास मुझे पसंद है। तो अब मैं इसकी एक बाइट लूँ। आह चलो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो यार।